इन तीन कलर में से कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट है आज मैं यही देखने वाला हूँ। पहले डॉम्स के प्लास्टिक क्रेयॉन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दूसरे डॉम्स के क्रेयॉन्स कलर के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। तीसरे कैमल के वैक्स क्रेयॉन्स के लिए मेरी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। एक ड्राइंग शीट को तीन पार्ट में डिवाइड करके एक तरफ डॉम्स प्लास्टिक क्रेयॉन्स, एक तरफ कैमल क्रेयॉन्स एंड एक तरफ डॉम्स क्रेयॉन्स लिख लेता हूं। सोचने लगता हूं क्या बनाऊं, जब भी एकदम से आइडिया आता है क्यों ना आज वो चीज बनाया जाए जो हमें सर्दियों में बहुत ज्यादा पसंद नहीं होती लेकिन गर्मियों में बहुत ज्यादा पसंद होती है। अब ऐसी मैं क्या चीज बना रहा हूं आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। ड्रॉ तो हो चुकी थी, अब बारी थी आउटलाइन करने की। ब्लैक स्केच पेन लेके फटाफट से इसकी आउटलाइन करने में लग जाता हूं। तो कुछ ही मिनटों का समय लेते हुए मैं इसकी आउटलाइन पूरी कर लेता हूं। अब बारी इसमें कलर करने की, तो सबसे पहले मैं प्लास्टिक क्रेयॉन से इसमें कलर करने में लग जाता हूं। प्लास्टिक क्रेयॉन तो बहुत ज्यादा स्मूथ चलते हैं इसीलिए मेरे फेवरेट है, आपके फेवरेट है मुझे कमेंट में बताओ। सेकंड बारी थी कैमल्स के क्रेयॉन्स कलर की और इससे भी मैं कलर करने में लग जाता हूं। तो देखते देखते इसमें भी कलर फिल हो जाता है। अब बारी थी डॉम्स के वैक्स क्रेयॉन से इसमें कलर करने की। जैसे कि आप सबको पता है कि वैक्स क्रेयॉन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इनका वैक्स बहुत ज्यादा निकलता है, फिर भी मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। बारी थी इसमें से विनर डिसाइड करने की, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ।